आज हम मेडिसिन के एक नए दौर में खड़े हैं जहां जेनेटिक बीमारियां इतिहास बन सकती हैं। यह क्रांति क्रिस्पर द्वारा संचालित है, जो एक शक्तिशाली जीन एडिटिंग तकनीक है जिसमें स्वास्थ्य सेवा को फिर से लिखने की क्षमता है। कल्पना कीजिए, जेनेटिक डिफेक्ट्स को ठीक करना और आनुवंशिक बीमारियों को मिटाना। क्रिस्पर हमें इस हकीकत के करीब लाता है। एग्रीकल्चर में यह कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी फसलों का वादा करता है, जिससे खाद्य उत्पादन में क्रांति आती है। पर्यावरण विज्ञान में क्रिस्पर प्रदूषण को साफ करने या बायोफ्यूल को कुशलतापूर्वक उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जीवों को इंजीनियर कर सकता है। क्रिस्पर की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय के भीतर उत्साह और बहस को जन्म दिया है। जैसे जैसे हम जीन एडिटिंग में गहराई से उतरते हैं, संभावित परिणामों पर विचार करते हुए सावधानी से आगे बढ़ना अनिवार्य है। क्रिस्पर एक बेहतरीन जीन एडिटिंग टूल है जो वैज्ञानिकों को डीएनए अनुक्रमों में लक्षित परिवर्तन करने की अनुमति देता है। आणविक कैंची की कल्पना कीजिए, जो विशिष्ट स्थानों पर डीएनए को काटने के लिए प्रोग्राम की गई है, जो सटीकता के साथ आनुवंशिक जानकारी को बदलती है। क्रिस्पर सिस्टम में एक गाइड आरएनए अणु और एक Cas9 एंजाइम होता है। गाइड आरएनए Cas9 एंजाइम को संपादन के लिए सटीक डीएनए स्थान पर निर्देशित करता है। एक बार डीएनए कट जाने के बाद सेल के प्राकृतिक मरम्मत तंत्र शुरू हो जाते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को वांछित परिवर्तन पेश करने की अनुमति मिलती है। यह आनुवंशिक दोषों के सुधार, नए जीन की शुरुआत या हानिकारक जीन को निष्क्रिय करने में सक्षम बनाता है। मेडिसिन में क्रिस्पर का प्रवेश परिवर्तनकारी रहा है। क्लिनिकल परीक्षणों में क्रिस्पर सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया और कुछ कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में आशाजनक दिखता है। आनुवंशिक दोषों को लक्षित करने और उन्हें ठीक करने की क्षमता रोगियों के लिए नई आशा प्रदान करती है। क्रिस्पर को जीन थेरेपी के लिए भी खोजा जा रहा है, जिसका उद्देश्य दोषपूर्ण जीन को बदलकर आनुवंशिक बीमारियों को ठीक करना है। नए नैदानिक उपकरणों और उपचारों को सुविधाजनक बनाकर क्रिस्पर वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला सकता है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां आनुवंशिक जांच बीमारियों का जल्द पता लगाने और रोकथाम की अनुमति देती है। जैसे जैसे हम क्रिस्पर के भविष्य में झांकते हैं, संभावनाएं असीम लगती हैं। चिकित्सा से परे क्रिस्पर हानिकारक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करते हुए कीटों और बीमारियों के लिए प्रतिरोधी फसलों का विकास कर सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां भोजन की कमी अतीत की बात हो, कठोर वातावरण में फसलें फल फूल रही हो। क्रिस्पर कृषि में क्रांति ला सकता है, जिससे खाद्य उत्पादन अधिक टिकाऊ और लचीला बन सकता है। वैज्ञानिक प्लास्टिक प्रदूषण को तोड़ने और जहरीले कचरे को साफ करने के लिए सूक्ष्म जीवों को इंजीनियर करने के लिए क्रिस्पर का उपयोग करने की कल्पना करते हैं। जबकि क्रिस्पर के लाभ निर्विवाद हैं, इसके तेजी से विकास ने नैतिक बहसों को जन्म दिया है। जीवन के निर्माण खंडों को बदलना वैज्ञानिक हस्तक्षेप की सीमाओं के बारे में प्रश्न उठाता है। एक गंभीर चिंता अनपेक्षित परिणामों की संभावना है, क्योंकि डीएनए में छोटे से छोटा बदलाव भी अप्रत्याशित प्रभाव डाल सकता है। ऑफ टारगेट एडिट्स, जहां क्रिस्पर गलती से अनपेक्षित स्थानों पर डीएनए को काट देता है, नुकसान पहुंचा सकता है। एक और चिंता क्रिस्पर की सामाजिक असमानताओं को बढ़ाने की क्षमता है, जिसमें महंगे उपचार केवल अमीरों के लिए उपलब्ध हैं। बुद्धिमत्ता या एथलेटिकवाद जैसे लक्षणों को बढ़ाने की क्षमता आनुवंशिक वृद्धि और डिजाइनर शिशुओं के बारे में चिंताएं उठाती हैं। जैसे ही हम क्रिस्पर के अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इसके नैतिक निहितार्थों के बारे में विचारशील बातचीत में संलग्न होना महत्वपूर्ण है। क्रिस्पर के भविष्य के लिए इसके उपयोग का मार्गदर्शन करने वाले मूल्यों और सिद्धांतों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।